तो ये तो गाइस आज हम लोग खेलने वाले आइस स्क्रीम, जो कि एक बहुत ही अच्छा पॉपुलर हॉरर गेम है। तो आज हम लोग इसका एक स्टेप कंप्लीट करने वाले। एक ही स्टेप होता है इसमें, तो उसमें बच्चे को छुड़ाना होता है। तो जो लोग चैनल पर हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलो जल्दी से हम लोग इसको स्टार्ट कर लेते हैं। और ये स्टार्ट हो चुका है, अभी हमको ये विंडो ओपन करनी है। और ये अभी आइसक्रीम अंकल जो है वो ये बच्चे को उठाएगा। मेरे को पता है, मैंने खेला हुआ ये गेम। ये इसको फ्रीज करेगा और अभी इसको उठा लेगा। और अभी उसने मेरे को दे दिया, इसलिए मैं छुप गया हूँ नीचे। बट मेरे को अभी उसको बचाने जाना है। तो सबसे पहले मेरे को यहाँ पे रोप ढूंढना होगा। यहाँ पे स्लिंगशॉट पड़ा हुआ है और यहाँ पे रोप मिल गया हमको। इसको जल्दी से लगा लेते और स्लिंगशॉट को लेके चलते और यहाँ से कूद जाते हैं हम लोग नीचे गार्डन में। और यहाँ पे छुपना है मेरे को। और हाँ, ये अभी इसका टाइम पास थोड़ा बाकी है। तो ये यहीं पे गया था ना, भी गायब हो गया ये तो, इस पर नहीं दिया। तो चलो थोड़े इसको, इससे हमको वो चिल लेना देना तो है नहीं, लेकिन फिर भी एक बार कंफर्म कर लूँ सही में नहीं है वो। तो स्लिंगशॉट को मैं अंदर फेंक देता हूँ और यहाँ से मैप उठा लेते हैं अभी। और पर ये कैसे आ गया, तो मैप भी नहीं लगा सकता मैं। अच्छा, मतलब जब तक मैं मैप नहीं उठाता तब तक ये आएगा नहीं, ऐसा कुछ इसका सीन है शायद। और अभी जल्दी से मैप लगा देते हैं, दरवाजे को बंद कर लेते हैं और हमको रुकना होगा ये जो बैकग्राउंड में म्यूजिक बज रहा है उसको बंद होने तक। और अभी चलते हैं हम लोग सीधा प्ले ग्राउंड। और चलो प्ले ग्राउंड तो हम लोग आ चुके हैं। और अभी ओ ये तो आगे ही खड़ा है, बट चलो कोई नहीं, बच लेंगे हम लोग इससे भी। और अभी मेरे को ये एक ये देखिए जेसीपी जो भी है, इसको क्या बोलते पता नहीं मेरे को। और इसके हमको लीवर सेट करना होता है पहले तो। और ये अभी बटन दबा देखते, ओ हो गया। चलो अभी हम लोग यहाँ से नीचे चलते। और मेरे को भी जैकेट चाहिए, यहाँ पे गार्ड की जैकेट होती है, फिर वहाँ से हमको ऑफिस की मिलेगी, जो कि मेरे बहुत काम की चीज़ है। तो चलो पर जल्दी से पहले हम लोग जैकेट ढूंढ लेते यहाँ पे, तो यहाँ पे और ये ऑफिस की मिल गई। चलो अभी जल्दी से ऑफिस के लेके हमको जाना होगा बैंक के पास, क्योंकि वहाँ से हमको जाना है अपनी ये कहाँ पे पार्किंग में। हाँ, पार्किंग में जाना है हमको। अभी हम लोग पार्किंग में आ चुके हैं और अभी जल्दी से गाड़ी पार्क कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे और ओपन कर लेते हैं दरवाजे को। और मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे तो ना आवाज़ करके आइसक्रीम अंकल को बुला ही लेते। अरे ऐसे नहीं आना था भाई, देखो। अरे यार बेकार मैंने आवाज़ कर दिया वहाँ पे, अच्छा खासा पहले दिन में हो जाता। पर चलो कोई नहीं, अभी जल्दी से हम लोग ये दरवाजे को ओपन करते हैं। और यहाँ से हमको टेप चाहिए होगी, टेप शायद मिल जाएंगी हमको यहाँ पे। ये ऐसे अजीबोगरीब आवाज़ क्यों निकाल रहा है, वो मार खाना है शायद। और वो टेप कहाँ पे रखी इसने, और ये मेरे को टेप मिल गई। और अभी इससे मैं केबल को जोड़ लेता हूँ। और अभी चलो शटर तो ओपन हो चुका है और बस ये उठना जाए, क्योंकि मेरे को यहाँ से पेट्रोल कैन लेनी है। अभी नहीं, उठ गया और देख भी लिया यार इसने मेरे को। चलो कोई नहीं, मतलब इसको घुमा के लेके आएंगी, क्योंकि मेरे को पेट्रोल कैन चाहिए वहाँ से, वो मेरे को अंदर से ही दिख गई थी। अबे यार इसने वापस से मेरे को देख लिया, इस बार अच्छे से घुमाऊंगा इसको। अभी चलो सीधा वैन में घुसते और ये कर दे दरवाज़ा बंद। और एक सेकेंड में को रुकना होगा थोड़ा। और अभी चलते हैं हम लोग सीधा पार्किंग में, सॉरी प्ले ग्राउंड में।
क्योंकि ये कैन का यूज वहीं पे होने वाला है। अबे यार ये तो आ गई है, वहीं पे उनको पेट्रोल कैन का यूज होने वाला है। तो चलो अभी इसको, अरे नहीं यार ये नहीं छोड़ने वाला है मेरा पीछा, इसको लोगों को ऐसा लंबा ही घुमाना होगा। इधर इधर मैं, हाँ। और अभी नहीं, मैं इसके अंदर तो नहीं जाऊंगा क्योंकि इसके अंदर वो जो नेट होता है ना वो लगा हुआ होगा, उसके लिए हमको ग्रिल चाहिए होगा। तो चलो तो फिलहाल तो पार्किंग में चलते हैं, क्या पता मेरे को वहाँ पे कुछ मिल जाए, मतलब वो ग्रिल का वगैरह कुछ जो भी है वो वहाँ पे मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि मेरे को वहाँ पे ऑफिस की भी गिरी हुई है मेरी, तो हो सकता है कुछ मिल जाए वहाँ पे। ये देखो ऑफिस की है। और आइसक्रीम अंकल नहीं आए इस बार आवाज़ हुई तो, कोई नहीं हमारे लिए अच्छा है। आइसक्रीम अंकल मेरे पीछे पड़ा हुआ है और मैंने ऑफिस का दरवाज़ा भी ओपन कर लिया है। ये देखो ये यहाँ पे आइसक्रीम अंकल मेरे पीछे ही पड़ा हुआ था ये। अभी हम लोगों को जाना है कैफेटेरिया, क्योंकि हमको वहाँ से वो जो वर्कर है वेटर जो भी है उसका नाम पता करना है, क्या नाम है, तो फिर उसका आइडेंटिटी कार्ड लेके हमको जाना होगा वापस कैफेटेरिया में, आना होगा हमको आइडेंटिटी कार्ड लेके। जो हम लोग आइडेंटिटी कार्ड लेंगे ना उससे ये दरवाज़ा ओपन होगा जो कि अभी ब्लॉक्ड है। सुनो भी हम लोगों को बस नाम पता करना है क्या नाम है उसका वर्कर का, और शायद इसने मेरे को, हाँ ये इसने मेरे को देख लिया है, वो भी ये बाहर है ना, और मैं यहाँ से अंदर चले जाऊँगा, बहुत सिंपल है, यहाँ से भी मैं अंदर चले जाता हूँ। और अभी मेरे को बस वो वहाँ से नाम देख के आना जल्दी, सोफिया, हाँ तो सोफिया नाम का जो वर्कर है उसका हमको आइडेंटिटी कार्ड चाहिए होगा। और ये तो अलग ही जा रहा है। तो चलिए अभी हम लोग दरवाजे को बंद कर लेते हैं और यहाँ से चले सीधा पार्किंग एरिया में। तो चलो हम लोग आ चुके हैं पार्किंग एरिया में, अभी जल्दी से हमको ऑफिस वाले रूम में जाना है। बट उससे पहले मैं पेट्रोल कैन को यहाँ पे फेंक देता हूँ इसके पास, क्योंकि मेरे को याद रहे कि मेरे को कार का भी वो ही करना है जुगाड़। तो भी आवाज़ तो कर ली मैंने यहाँ पे, बट पता नहीं आइसक्रीम अंकल आएगा या नहीं, क्योंकि मेरे को दिखा नहीं अब तक ये आवाज़ की मैंने फिर भी, तो क्या पता वो यहाँ पे हो भी सकता है, कुछ कह नहीं सकते उसका वाला। ये दरवाजे को ओपन करते, और नहीं ये नहीं है, और यहाँ से इसको ओपन करते, पहले बंद कर इसको, और यहाँ से ब्रीफ केस में को आइडेंटिटी कार्ड लेना है, एंथनी डोनाल्ड और एमिली सोफिया, सोफिया मिली है, मिली है, मिली है ऊपर है। ओ बहुत सही, और ये ऐसी अजीबोगरीब आवाज़ क्यों निकाल रहा है, इसका पता नहीं अलग ही सेड है। तो चलो हम यहाँ से चले जाते हैं, यहाँ से मैं को सीधा कैफे, अभी तो पहले कार में जाना होगा, वो जो भी वैन है उसमें जाना होगा, फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे अपनी कैफेटेरिया में। ये दरवाजे को भी बंद कर लेता हूँ और चलो जल्दी कैफेटेरिया। मैं कैफेटेरिया में आ चुका हूँ और अभी जल्दी से मेरे को वो दरवाज़ा ओपन करना होगा, पहले तो ये वाला दरवाज़ा ओपन करते हैं, और हाँ कभी ये वाला दरवाज़ा ओपन कर, और चलो भाई आइसक्रीम अंकल ने देखा मेरे को, ओह ये तो है बाजू में, चलो इसको फेंक देते और यहाँ से जल्दी से निकलते। मैं अभी अंदर नहीं जाऊँगा क्योंकि अंदर से बाहर निकलने का रास्ता नहीं है, तो मैं फंस सकता हूँ और मेरे को रिस्क नहीं लेना बिल्कुल भी।
और यहाँ से भी थोड़ा देखते हैं अभी हम लोग, छुप सकता हूँ मैं इसके अंदर, बट अभी छुपना नहीं है उनको। और हाँ आधा लेडीज को बुला लेता हूँ मैं, और यहाँ से मैं निकल के चले जाऊँगा। वो भी हम लोग भी यहाँ से बन जाते हैं सीधा वाले रूम में, बट वो नहीं, उसको मैं अंदर ही बुला लेता हूँ कि यार मैं बाहर चले जाऊँगा और वो मेरे को बाहर से पकड़ लेगा तो प्रॉब्लम हो सकती है वहाँ पे। तो को भी तो मैं अंदर ही बुला लेते हैं इसको। और अच्छा इतनी चालाकी, मेरे से होशियार बेटा, रुक जा मैं यहाँ से निकल लेता हूँ सीधा। और चलो यहाँ पे थोड़ा देख लेते, कुछ भी नहीं है, पहले दरवाज़ा बंद कर और नीचे चलते हैं। नीचे जाने का एक इकलौता मेरे को रास्ता दिख रहा है, और चलो इससे नीचे चले जाते हैं। और ये क्या है? ओ कैफेटेरिया स्टोरेज की मिली है, जो कि कहाँ पे यूज होगी मेरे को नहीं पता। और ये दरवाज़ा ओपन होते बंद क्यों हो गया? चल हो सकता है बाहर में रॉड हो, मतलब वहाँ पे रॉड हो, तुम उसमें किया हो, कोई भी हो सकता है, कह नहीं सकते फिर लोग। और यहाँ से मैं चल जाता हूँ बाहर, अभी ये तो बाजू में ही गया है। जल्दी ओपन करो, जल्दी ओपन करो, मेरे को लगा नहीं था वो इतने बाजू में हो सकता है इधर के। यार ये कब पीछा छोड़ेगा मेरा? चलो कोई नहीं, अभी इसको घुमा देते हैं अभी के लिए। तो इसको सीधा बाहर से घुमा के रखते हैं। आजा जल्दी इधर, चलो अभी वो आ चुका है। और अभी यहाँ से हम लोग निकलते हैं, और अभी हम लोग अंदर थोड़ा चेक कर लेते, क्या पता वो यहाँ से रास्ता है, बट चलो ये मेरे को दिखा दें। और यहाँ पे छुपने की जगह है, जो कि मेरे अभी किसी काम की नहीं है, और यहाँ पे भी है बट किसी काम का नहीं है यहाँ पे। वो मेरे को ऑयल की कैन मिल गई है, बहुत सही, ये क्रीस का काम करेंगे। वो जो वहाँ पे वो जो नेट रहता है ना, उसको ओपन करने के लिए कहा आएगा ये मेरे को। तो अभी उनको जाना है प्ले ग्राउंड में, क्योंकि वहीं पर तो रहता है ना वो क्रीस जो भी है वो प्ले। दरवाजे को क्लोज कर लेते हैं, और अभी यहाँ भी थोड़ा वो बैकग्राउंड सीख, जब तक बंद नहीं होता तब तक हम लोग मैप को ओपन नहीं कर सकते। तो चलो अभी हम लोग चले जाते हैं प्ले ग्राउंड में। और ये अभी हम लोग आ चुके हैं प्ले ग्राउंड, अभी मेरे को जल्दी से उसकी ऑयलिंग करना होगा। पता नहीं ये लोग एस्केप के नाम पे क्या क्या करवा लेते, अपना काम नहीं करवा लेते बस। तो चलो अभी जल्दी से हम लोग इसके बाद जाते और ऑयलिंग करवा लेते। और अगर जो लोग चैनल पे नए हैं और अभी तक वीडियो देख रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं किया, तो क्या कर रहे हो भाई, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। और यहाँ पे गैस स्टेशन है, तो मेरे को यहाँ पे वो जो पेट्रोल की कैन वो लगेगी, तो मैं पेट्रोल की कैन लेके आ चुका हूँ। तो चलो फ्यूल, अभी हम लोगों को जाना होगा अपने वैन के पास। और यहाँ से मेरे को जाना होगा पार्किंग में, तो चलो मिलते हैं हम लोग पार्किंग में। और ये लो मैं पहुंच चुका हूँ पार्किंग में, तो उनको यहाँ से जल्दी से वो कार का ये कर दूंगा। पहले तो ये ओपन कर दूंगा, जिसके लिए मेरे को स्लिंग शॉट लगेगा, जब भी मैं घर से लेके आ गया था ये उठाने में स्लिंग शॉट। और यार ये रॉड की अजीबोगरीब आवाज भी नहीं, क्या एक दिन को हार्ट अटैक दिलवाएगी। सब लोग भी जल्दी से इसको ओपन करते ही, अरे यार बहुत कच्चा निशान है मेरा, इस बार सही लग जाए बस। एक तो डर इतना लग रहा है, और सर वो ये तो ऊपर हो चुका है, अभी जल्दी से
वो जो पेट्रोल कैन है वो भी भर लूंगा मैं, बट सबसे पहले मेरे को रॉड को ही करना होगा, क्या पता मैं पेट्रोल भरते रहो वो रॉड आ जाए, तो मैं रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहता। वैसे लग तो नहीं रहा है रॉड आएगा, वो दूर दूर तक दिख नहीं रहा है, तो चलो मैं पेट्रोल भर लेता हूँ और चलो पेट्रोल तो भरते हो चुका है अभी, अभी भी रॉड भी है, मतलब मैं अपनी घोड़ा गाड़ी दिखा सकता हूँ और फिर रॉड देखा मेरे को कहाँ से, ओ पीछे से तो चलो अभी इसको हम लोग चकमा दे देते। चकमा देने में मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ, बचपन से ही एक्सपर्ट हूँ मैं ये सब कामों में, तो वो कुछ ज़्यादा कुछ नहीं, बस वो कार उठानी है और ऊपर का वो जो ये है वो अलमारी टाइप जो भी है वो तोड़ के आना है, थर्माकोल की शीट। बेयारी कार चलाने तो इतना हार्ड है, मैं तो सोच रहा हूँ इसी कार से स्कूट कर लूँ, बट ये कार चलानी है जंगल को, और इसमें ब्रेक भी नहीं है, ये देख सकते हो आप लोग, ये ऐसा भीड़ आके रोकना पड़ता है कार को। अभी तो मैंने वहाँ पे भीड़ आ दी है तो मतलब वहाँ का रास्ता ओपन हो चुका है, तो चलो एक बार चल के देख लेते हैं क्या है क्या नहीं। तो यहाँ पे तो कुछ भी काम कर रही है, बस यहाँ पे नीचे जाने का रास्ता बना हुआ है, मतलब थोड़ा सा क्रैक है उसके ऊपर, मेरे को लैंप गिराना है, तो उसके लिए मेरे को कटिंग प्लास चाहिए होगा, और कटिंग प्लास के लिए अभी मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मतलब खास में मेरे सकता है मेरे को कटिंग प्लास। ओ हाँ मेरे पास कैफेटेरिया स्टोरेज की है, तो क्या पता मेरे को उसमें कटिंग प्लास नहीं है, कुछ भी हो सकता है, मिल सकता नहीं भी मिल सकता, बट कोई नहीं मैं कैफेटेरिया की स्टोरेज के लेके आ चुका हूँ, और अभी इसको ओपन करते शटर को और देखते हैं। ओ व्हीकल से आया पीछे, ये बहुत छुपा रहा था, मैं इसको मारना पड़ता है तब दे यार, बट चलो कोई नहीं उन लोग यहाँ से भी एस्केप कर ही लिए। ये रग्बी बॉल उठा लिया हमने और कांच तोड़ दिया, अभी शायद ये आएगा मिस्टर रॉड, वो आ चुका है, ये वो देख क्यों नहीं पा रहा है, को फेंक के मारू मैंने बट लगा नहीं, वो सर पे फेंक के मार रहा था मेरे को, बट चलो कोई नहीं मेरा निशाना थोड़ा कच्चा है। यहाँ से वो कुछ भी नहीं लेना है, या ये वाली जगह से मेरा कुछ लेना देना है, तो चलो अभी हम लोग जल्दी से चलते हैं अपने पार्किंग एरिया में। चलो मैं पार्किंग एरिया में तो पहुंच चुका हूँ, और मैंने, अरे नहीं यार मैंने वो कैफेटेरिया के स्टोरेज की कहाँ पे गिराई है मेरे को यही नहीं पता, और गुलेर तो खैर छोड़ो निशानी की बात ही नहीं करना है मेरे को, और हाँ मेरे को कैफेटेरिया की स्टोरेज की को पता लगाना है कि मैंने यहीं पे कहीं तो गिराई थी शायद, में क्योंकि मेरे को रॉन्ग ने पकड़ा था तो वो शायद मेरे हाथ में हो गए तो यहीं पे गिरी होगी। अरे ये तो लगी हुई है, खाली पकड़ परेशान हो रहा हूँ मैं, चलो कोई नहीं ओपन तो हो चुका है और रॉड भी आ चुका है, और यहाँ पे कटिंग प्लार है, चलो मतलब एस्केप तो हो ही गया है। ऐसे रॉड है का, अबे नहीं यार बेकार निकला हुआ, इतनी देर में मेरा कटिंग प्लार उठा के हो जाता, बट चलो वही भी अभी उठा लिया हम लोगों ने, और अभी कटिंग प्लान लेके हम लोगों को जाना है वो वाले रूम में, जो अभी यार ये इसका अलग परेशानी है। हाँ तो मैं कह रहा था कि जो अभी हम लोगों ने रास्ता ओपन किया है वो वाले रूम में जाना है हमको,
तो सुनो, जल्दी से हम लोग चले जाते और यहाँ से ये ओपन कर लेते दरवाजे को, और अभी ये गिराने में को ये वायर को कट करना है, और छोड़ दो हो गया। यहाँ पे रॉड की डायरी है जो कि पढ़ने में मेरे को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, और यहाँ पे एक डब्बा है जिसके अंदर एक चाबी है, आई होप कि केज की हो, और ये केज की ही है। चलो चलो, वो फाइनली हमारा एस्केप, हम लोग एस्केप के बहुत करीब है। बस इतने में मेरे को मिस्टर रॉड ने मारना नहीं चाहिए, बस ये तो यही है, और इसने मेरे को देख भी लिया हुआ। चलो कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, मेरे को अभी पार्किंग एरिया का चप्पा चप्पा मालूम है शायद, बट अभी उसके मेरे को पीछे पीछे जाना होगा। चल जल्दी जल्दी चल, एक काम करते ना, हम लोग यहाँ पे ये चाबी को गिरा लेते हैं, फिर मिस्टर रॉड यहाँ पे आएगा और हम लोग वहां से निकल के चले जाएंगे दरवाजे से। तो पर ये आया क्यों नहीं? चलो छोड़ो, मैं तो केज की चाबी में लेके जाऊंगा, मेरे को भी वो रूम में बंद कर देगा, इसके पीछे पीछे जाने भी भला ही है यार। बट ये बहुत स्लो चलता है, प्लीज भाई मेरे ही जल्दी चल दे। चलो, ये कुछ तो बड़बड़ रहा था, बट जो उस पर ध्यान नहीं देते। और अभी भी कोई अच्छा नेबरहुड में जाके ओपन होगा, वही मैं बोलूँ मैं केज के नाम पे कोई गलत सलत की तो नहीं किया गया, बट नहीं मैं बिल्कुल सही था। और यहाँ से केज भी ओपन हो चुका है और उसकी मान अकड़ चुकी है, और चलो फाइनली आइसक्रीम अंकल का एस्केप कंप्लीट हो चुका है। तो देखते हैं अभी नेक्स्ट कौन सा एस्केप है, तो आप लोग थोड़ा सजेस्ट करो कि नेक्स्ट कौन सा एस्केप चाहिए। और ये मोबाइल ने मिक्सर कब डापा, ये तो मेरे साथ ही था। चलो छोड़ो, ये गेम है, इसमें कुछ भी हो सकता है। तो खैर, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।